वाली जिंदगी। अरे मेरे बाप ने दो शादियां की मालूम, दो शादी, एक शादी मेरी मां और दूसरी शादी नौकरी। मैं अपनी मां का बेटा हूं और नौकरी का बेटा है कानून। कानून मेरा सौतेला भाई, मैं तो साली उस घुटन भरी जिंदगी से बाहर आ गया, बाहर आ गया। लेकिन वो लोग मेरी मां को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सूरज जस्ता मेरी मां को मार देंगे वो। मैं आपके हाथ छोड़ता हूं, तुम्हें जो कुछ करना मेरे साथ कर लो। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन लेकिन मेरे मां मुझे वापस दे दो। मेरे मां मुझे वापस दे दो। समर, अरे समर, अरे समर, अरे अरे देख समर, समर तो नहीं जा सकता। अरे मेरा डायलॉग अभी बाकी है, अरे पूरी पिक्चर बाकी है। क्या हो गया समर? समर क्या हो गया इसे? अरे मेरे को क्या मालूम, मैं तो वहां खड़े होके परफॉर्म कर रहा था और खट से आवाज सुनी, मैं इधर आया तो इधर पड़ा और ये हथौड़ा। जैकी सर ये तो मर गया। नहीं समर, समर राजू, इस स्टेज पर तुम दो लोग खड़े थे, ये मर चुका है और तुम्हारे हाथ में ये हथौड़ा। क्या हो रहा है ये सब? सबा अब आएगा मजा। सुना तुमने इसको किसने मारा, कहां से मारा, सब मुझे पता है। सुना तुमने, सब मुझे पता है। हो सकता है अमिताभ ने मारा हो सकता है गजोधर ने मारा हो सकता है सिडनी ने या फिर मद्रासी ने। नहीं 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 नहीं, इसको मारा है राजू चौरसिया। राजू चौरसिया ने मारा है। सुना तुमने ये आप मुझे कहां ले आए? मैंने तो कोई मर्डर ऑर्डर किया भी नहीं। अरे इस उम्र में हम खुद खड़े भी नहीं हो सकते, मैं किसी और को क्या लिटाऊंगा। ये आवाज कहां से आ रही? ये तो मैं ही हूँ और मैं अकेले ही हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी जब बात खत्म हो जाती है तो होठों से कोई आवाज अपने आप लीक कर जाती है। ये मुआ राजू खुद कांड करके भाग गया और इस उम्र में हमें फंसा गया। और आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, खामोश। दौड़ के जाइए, एक गिलास पानी ले आइए, मैं अपनी बत्तीसी कहाँ रखूंगा, आपकी अम्मा की पतीली में। मैं हजार बार कह चुका हूँ, मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। अब बाहर निकलूंगा कि नहीं अल्लाह ही मालिक है। मद्रास का नाम चेन्नई क्यों पड़ा? वहां सब मद्रासी रहते हैं, लुंगी पहनते चेन्नई। भैया भैया ये हमारा देख के
बता दो बैलेंस कितना है। गजोदर भैया ने उसको ढकेल दिया था बाग। सत्यानाथ जा गिरा कर दिए। देख लिया अम्मा बैलेंस बिल्कुल नहीं है। सात रंगों का इंद्रधनुष है आदमी के डी साहब। सात रंग, सात रूप, सात किरदार, जिनमें न जाने एक राजू चौरसिया कहाँ खो गया। इंद्रधनुष ये तो वही नाटक है जो पिछले कई सालों से चल रहा है। जी हाँ, 10 सालों से 24 देशों में हजारों शो हो चुके हैं इसके, और राजू चौरसिया इस नाटक का नायक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी रंगमंच पर इन सात किरदारों को एक के बाद एक निभाते बिता दी। तो फिर अचानक इतने वर्षों काम करने के बाद नाटक से राजू को निकाल क्यों दिया गया? क्योंकि दिन रात लगातार सात किरदार जीते हुए, पता नहीं कब असली राजू पर ये सात किरदार हावी हुए और सच्चाई और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली होकर मिट गई। राजू की मानसिक हालत बिगड़ गई थी, जिससे उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। एक पल में वो गब्बर सिंह बन जाता और दूसरे पल गजोदर, और फिर अचानक बूढ़ा बन जाता और पलक झपकते ही एक शर्मीली सी औरत। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, एक ही शरीर में सात अलग अलग शख्सियतों का होना। सात अलग अलग पर्सनालिटीज। मधुकर जी, राजू की मानसिक स्थिति में समझ रहा हूं, और ये समझते हुए मैं कह रहा हूं कि अदालत इस हत्या के लिए उसी को दोषी मानेगी। सर, मैं इस आदमी को पिछले 20 साल से जानता हूं। मेरे नाटक को जान इसी ने दी है। इस आदमी के शरीर में हिंसा का एक भी कतरा नहीं है। ऐसा कलाकार खूनी नहीं हो सकता। ये तो हीरा आदमी है सर। वैसे भी जिंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आप इसका ये केस ले लीजिए साहब, और इसे मौत से बचा लीजिए प्लीज। राजू चौरसिया। Who is that? Just wait, I'm coming. Oh, आप हैं? हमारे ये तो बाहर गए हुए। मैं उनकी पत्नी हूँ। आपको उनसे कुछ काम था? हाँ, उनसे एक केस के बारे में बात करनी थी। Well, देखिए, मैं आपको वैसे तो अंदर बुला लेती, but मैं एकदम अकेली हूँ, अकेली लेडी। रिस्क फैक्टर तो होते ही है, और आप ठहरी लेम सेम हैंडसम और व्हाट यू कॉल डोले शोले वाले, दैट्स व्हाई। यस, नहीं नहीं, आपके 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 पति से ये पूछना था, वो जो एक्टर है समर त्रिपाठी, उसकी हत्या हुई है। तो बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, यहाँ तक आगे और अंदर आइए। नहीं नहीं नहीं, यहीं ठीक है। आप बताइए कि एक्टर समर त्रिपाठी की हत्या भाई वो तो राजू ने किया होगा ना। मिल गया स्टेटमेंट, केस सॉल्व। आप लोग भी परेशान हो जाते हैं फालतू में। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? आई मीन, मैं कह सकती हैं, आप थी क्या वहाँ? ओ, यू आर वेरी नॉटी। भाई मैं वहाँ नहीं थी, पर और लोग तो थे ना। और लोग कौन? वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वहां तो हॉल में कोई नहीं था। ओह नो, यू डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन मी नहीं, वो लोग तो थे ना। वो लोग समझ नहीं रहा, समझाइए। वो लोग कौन कौन? वो लोग वो लोग लेकिन काम की बात। अरे अरे, वो सब छोड़ो। हमें गजोधरा, आप वही हो ना के दीवा? ठीक है, कल आए दवे। हाल तुम आप परेशान हो रहे हैं। आओ निकल, आओ बैठो। ए बैठो, ए चाय बोल दो, समझे से एक मट्ठा बोल दो। ओ गजोधर वाली चाय बोला। गजोधर भैया, ये जो हत्या हुई है एक्टर समर त्रिपाठी की, इस बारे में आप कुछ जानते हैं? आप थे वहाँ? अरे मतलब का बात अब सुनो। मतलब वो प्रोड्यूसर जग्गीवा नहीं है? अरे भाई प्रोड्यूसर जग्गी हथौड़ा मारे के 10 मिनट पहले
हमें खुद बताए राहुल के बारे में। अरे बाबा नहीं 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 ले सकता मैं तुम्हें अपने नाटक में। नहीं का मतलब नहीं समझते तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राजू। हेलो, अरे क्यों फोन कर रहे हो बार बार मुझे? हाँ क्यों परेशान कर रहे हो बार बार मुझे फोन पर? क्या? अरे तुम्हें जो करना है कर लो, मैं डरता नहीं तुमसे, देख लूंगा तुम्हें। तुम अभी तक यहीं बैठे हो, चलो निकलो यहां से, निकलो। अच्छा ठीक है, बस का भाड़ा दे दे। अरे कोई निकालो इस पागल को यहां से, चलो। अच्छा आवे जावे किराए का पैसा। अच्छा ठीक, बस बोल दिया काम की बात, अभी सब छोड़ो। जिंदगी में तो कहा है भौकाल है, सबके जिंदगी में लफड़ा है मारा मारी है। आप बैठो चाय पियो, अदरक वाली चाय बनाता हूँ इलायची कूट के, और जो है लौंग उसमें डाल के जग्गी से बता। वहाँ पूछो देखो वहाँ गुड़ का शरबत रखा होगा, गुड़ का शरबत मंगा लो। तो गैया वहाँ बंधी, गैया को दुहा ले, खोया बना के उसको करके कहाँ चले। अब मेहमान चले जाए तो आदमी लाओ, सब हमें अकेले खाना पड़ेगा। कैसे कहूँ और किससे कहूँ, ऐसा लगता है कि एक साथ सात लोगों के केस लड़ रहा हूँ। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ, कभी गब्बर सिंह, कभी अमिताभ बच्चन, कभी ठाकुर। पहली बार जीवन में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोर्ट में क्या होगा। अरे मुझे पहचाना, मुझे पहचाना, मैं राजू, मैं राजू, असली वाला राजू, राजू चौरसिया। उस दिन आप जेल में मुझे मिलने आए थे, पर मैं आपसे मिले नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं। सर आप किसी और को मिल के चले गए। सर वहाँ पे और लोग हैं, वो सर बहुत घुमाते हैं, आपको भी बहुत घुमाया होगा। सर सोचिए, सर आपको घुमा सकते हैं तो मुझे इतने सालों में कितना घुमाया होगा। सर मैं घूम घूम के मेरी हालत, मेरी हालत मिक्सर जैसी हो गई। सर 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 ये लोग मुझे पकड़ रहे लेकिन मैं बेकसूर हूँ, मुझे छुड़ा लीजिए। सर 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 आप किसी की बात मत सुनिए, कोई कुछ बोले मत सुनिए, मैं कुछ कहूँ तो वो भी मत सुनिए। मेरे पीछे साजिश हो रही है सर, मेरे पीछे साजिश हो रही है। और सर जो जो और आदमी है ना मेरे अंदर, वो अब बाहर नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे। मैंने मैंने रास्ता खोज लिया है, मैंने रास्ता खोज लिया। मैं आजकल गोलियाँ खा रहा हूँ, गोलियाँ खा रहा हूँ साहब। सर दवाई दवाई हाँ दवाई दवाई वाली खा रहा हूँ साहब, मुझे बचा लीजिए। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, कोई मर्डर नहीं, मैं चली तो रहा हूँ सब सब सब। मुझे बचा लीजिए, मैं कह रहा हूँ मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो कोर्ट का बेल हो गया। क्या कौन सा बेल हो गया? योर ऑनर, मुद्दा, मामला, मकसद, मौका, एक मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। आई रिक्वेस्ट योर ऑनर, और सिर्फ वो देखिए जो मैं देख रहा हूँ या मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ। नटरंग थिएटर, एक खाली रंगमंच, एम्प्टी ऑडिटोरियम, ना कोई दर्शक ना कोई तीसरा कलाकार, केवल दो लोग थे, एक तो नाटक का पुराना हीरो राजू चौरसिया जो अब है बेकार, और दूसरा समर त्रिपाठी, नाटक का करंट हीरो जिसपे हुआ था वाह। दोनों के बीच में शुरू हो गई तकरार, विवाह, डायलॉग बाजी, ड्रामे बाजी, और अंत में समर त्रिपाठी की हो गई हार। 10 मिनट के अंदर योर ऑनर स्टेज पे उसकी लाश पाई गई, और पास में कौन खड़ा था? हमारा ये कलाकार। जिसने जिसने इस हथौड़े से किया समर त्रिपाठी पे वार, और उंगलियों के निशान किसके? इसी कलाकार के, योर ऑनर, इसी कलाकार के। आई रिपीट, सिर्फ दो लोग थे, एक हथियार, एक की मौत, एक जिंदा, एक हथियारा और दूसरा शिकार, और पाठक साहब आप केस गए हार। लेस देन 10 मिनट्स। एक सेकेंड, मैं बोलूं। हाँ बोलिए बोलिए, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है। एक मिनट योर ऑनर, ये मेडिकल फाइल है इनकी, राजू चौरसिया जी की। ऑनर, यूजुअली हमने देखा है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं, लेकिन एक ही इंसान में 7-7 इंसानों के रूप, अजीब बात है, पहली बार मैंने देखा। नहीं पाठक साहब, ये कभी भी कुछ भी बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसा मैं इस समय एकदम असली हूँ, असली राजू चौरसिया, और पूरे होश हवास में गोली खाया हुआ। क्या
नहीं नहीं वाली गोली नहीं, बीमारी की गोली खाए हुआ। अजय साहब, जय साहब, जिससे कि पहले गोली असर अपना कम कर दे और मेरे अंदर का कोई और रूप मेरे ऊपर हावी हो जाए। मेरा बहन ले लीजिए, मेरा बहन ले लीजिए। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि उस दिन स्टेज पे मैं और समर ही थी, सिर्फ दो लोग, तीसरा कोई नहीं था। वहां मैं गया था समर से सिर्फ मिलने, समर से बात करने गया था। समर 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 की वजह से मुझे उस ड्रामे से निकाला गया। मैं मर्डर नहीं करने गया था। मैं तो क्या करने क्या गया था? मैं तो समर को समझाने गया था। तुम्हें ऊपर वाला देखेगा। मिस्टर जग्गी, मिस्टर आरिफ, तूने निकाला ना ड्रामे से मुझे, इसको रखा है, देखना एक आदमी देखने नहीं आएगा शो, ये मेरा शो है। चिल्लाने से काम नहीं चलता, ये ड्रामा है, एक्टिंग, सीक्वेंसेस शुड बी प्रोमिनेंट, रियलिटी। सुनो, ये हम और आप जो भी बातें करेंगे वो देखो राजू, ऐसे ये हाथ, ऐसे और ये हाथ कमर पे आना चाहिए। हम और आप मिलकर करते हैं आज के शो की शुरुआत। अरे हो ही नहीं रहे यार, दिल से करो ना, दिल से हो ही नहीं रहे। अरे तुम भूल गए, जब तुम नए नए थे मेरा ड्रामा देखने आते थे, मेकअप रूम में बोलते थे मुझे आप जैसा बनना है, आपसे सीखना है, राजू सर, राजू सर। और एक एक ड्रामा मिला, आज पहला दिन है, बदल गए, भाव खाने लगे, तुम्हें बाल उगाए। अमिताभ कैसा होता मैं बता दूं, अमिताभ बच्चन मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजू इलाहाबाद में पैदा हुआ हूँ। अरे सीखने की प्यास होनी चाहिए, उधर खड़े हो देखो बच्चन कैसे होता है। मैं बता दूं, उधर खड़े हो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब, ये मेरा ड्रामा है। ऐसे कमर पे हाथ रखो पहले। फिर क्या किया, क्या किया, क्या किया आपने? फिर क्या पता, फिर वो आ गए। वो कौन? अमिताभ। अमिताभ रैना? नहीं, अमिताभ बच्चन। फिर अमिताभ बच्चन ने क्या किया? फिर हमें क्या पता, उनको पता होगा, बाद में क्या हुआ हमें नहीं मालूम हुआ। हमें होश तब आया जब मैंने देखा कि पुलिस हमें जीप में बिठा के ले जा रही है, तो मैंने सोचा मुझे मेरे घर ड्रॉप करने जा रहे होंगे, लेकिन मैं टेंशन में आ गया जब देखा मेरा घर निकल गया। मेरे घर हम 3-4 किलोमीटर आगे आ गए, तब मैं समझ गया मैं अरेस्ट हो गया हूँ। लेकिन मैंने समर को नहीं मारा। नहीं, 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 नहीं। तो किसने मारा बताइए, किसने मारा? हमें क्या पता, हमें। जसवाल साहब, जरा ऑल योर्स, ऑल योर्स। बहुत शोर मचा लिया आपने अदालत में। अब राजू, हाँ जी जी, राजू चौरसिया असली। हाँ राजू चौरसिया असली, ये बताइए कि कल जब मैं आपसे मिलने आया था, आपने मुझसे कहा था कि समर से मिलने से पहले आप उसी थिएटर, यहाँ यहाँ बोलते हैं, आप उसी थिएटर के मेकअप रूम में प्रोड्यूसर जग्गी मल्होत्रा से मिलने गए थे, और आपने तब देखा था कि कोई उन्हें फोन पर धमकी दे रहा था, कहा था आपने? ये आपसे किसने कहा? आप ही ने तो कहा था, तब आप ही का रूप है वो, क्या नाम है उसका, गजोदर। तो गजोदर ने कहा होगा तो आप उससे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उसे बाहर लाइए तो पूछते हैं उससे। ये मेरे ऊपर नहीं है, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये तो इन करेक्टर के मूड पर है। टीवी सीरियल के देवताओं की तरह हैं, जहाँ टीआरपी घटी ये अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर गजोदर को बाहर लाना है तो मुझे दवा बंद करनी पड़ेगी। अजीब बात है, मैं दवा खाऊं कि नहीं खाऊं, खाता हूँ तो आपको प्रॉब्लम है, नहीं खाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? सिर्फ मैं ही हूँ जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मुक्त हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा टेंशन हो रहा है मुझे पाठक साहब, 7 सुरों में कहीं आपकी आवाज दब ना जाए। जसवाल साहब, मुझे लगता है कि इस समय आपको अपनी आवाज और अपनी ऊर्जा दोनों थोड़ी दबा कर रखनी चाहिए, क्योंकि ये 10 मिनट का मामला नहीं है, लंबा चलेगा, आगे जरूरत पड़ेगी। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं इंद्रधनुष हास्य नाटक के निर्माता मिस्टर जग्गी मल्होत्रा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। अरे वकील साहब, आप भी किस पागल की बातों में आ गए? देखिए, मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दी है। कोई पागल नहीं है यहाँ जग्गी जी, कोई पागल नहीं,
आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार समर त्रिपाठी की मृत्यु से 20 मिनट पहले समर आप ही से बात कर रहे थे, कर रहे थे या नहीं? हाँ, मुझे समर ने फोन किया था, लेकिन उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी। नहीं दे रहा ये यार, समर का मोबाइल फोन मेरे पास है। उनके फोन से भेजे गए संदेशों में एक ये भी संदेश है, देखिए, पैसे बढ़ाओ वरना फोटो भेज दूंगा। आप ही को भेजा था ये संदेश, भेजा था या नहीं? किस फोटो की बात हो रही है? क्या बात है, इस फोटो का उल्लेख है उस संदेश में। आप और आपके नाटक की मुख्य कलाकारा इशिका बड़े ही सुखदायक मुद्रा में। सच तो ये है जग्गी जी कि समर आपसे धमकी द्वारा पैसे ऐंठ रहा था, आपको ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर आपने उसके पैसे नहीं बढ़ाए तो ये चित्र वो आपकी पत्नी को भेज देगा। मैं सही कह रहा हूं या नहीं? हाँ, समर मुझे धमकी दे रहा था। हेलो, अरे क्यों फोन पर मुझे बार बार तंग कर रहे हो तुम? तंग? तंग तो आपकी वाइफ होंगी सर, सर जग्गी सर। क्या? क्योंकि जब वो आपके और इशिका के फोटोग्राफ्स देखेंगी, एक्शन और रिएक्शन से भरपूर। अरे तुम्हें जो करना है कर लो, मैं डरता नहीं तुमसे, देख लूंगा तुम्हें। तुम अभी तक यहीं बैठे हो, चलो निकलो। कह रहा था कि पैसे दुगने कर दो। अरे ऐसे कैसे पैसे दुगने कर दूं? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कोई मिक्स करता है क्या? और देखिए जज साहब, मेरे और इशिका के बीच जो कुछ भी है वो हमारा पर्सनल मैटर है, मैं उसे यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता। करना भी नहीं चाहिए, निजी बातें आम हो जाए जग्गी जी तो बहुत तकलीफ होती है। चलिए ये डिस्कस करते हैं कि अंततः वो समर को हथौड़ा लगा कैसे। अरे तो आ गए। राइट, यही डिस्कस करना चाहिए। खामखा इधर उधर की बातें कर रहे थे आप, क्या सुखदाई मुद्रा वगैरह। खैर छोड़िए, बताइए जब समर को हथौड़ा लगा आप कहाँ थे? मैं हॉल के वॉशरूम में था। जाहिर सी बात है, बाथरूम में हथौड़ा तो नहीं पकड़ा होगा इन्होंने। चलो मान लेते हैं कि हथौड़ा पकड़ा था और हथौड़ा फेंका भी वहां बाथरूम में, जोर से फेंका उन्होंने जो दीवार को तोड़ते हुए, पर्दों को चीरते हुए सीधा वहां पे थिएटर में पहुंचा और समर के यहाँ लगा। करेक्ट? क्या? नहीं, मैं नहीं, पाठक साहब ये कहना चाहते हैं। जयसवाल साहब जी, तबीयत ठीक है ना आपकी? परफेक्ट। हाँ, क्योंकि ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं। कभी कभी समझ में नहीं आता कि आप अपनी तुलना मेरे साथ कर रहे हैं या मेरी तुलना अपने साथ। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि वो हथौड़ा किसी न किसी ने तो मारा है समर को, और मेरे अनुमान में वो हथौड़ा राजू ने नहीं मारा तो किसने मारा? आपको असर हो रही है इनकी, राजू जी की? वो नहीं कोई और से ही, कोई और नहीं, कोई और से। कम बैक टू द पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन। देखिए ये पाठक साहब, नटरंग हॉल का ये डायग्राम है। इसकी जो लंबाई है 40 फीट की है और चौड़ाई 25 फीट की है। और यहाँ पे समर बीच में खड़ा था जब सर पे हथौड़ा पड़ा तब। ये समर जी खड़े थे, यहाँ पे राजू जी खड़े थे। अब समर जी के ना दाएं कोई, ना बाएं कोई, ना आगे कोई, ना पीछे कोई। दाएं बाएं पीछे से ना हो मिस्टर जयसवाल, आगे से तो हो सकता है थिएटर के सीट से, क्योंकि थिएटर के सीट से समर्थक की दूरी ज्यादा नहीं है, कोई भी निशाना लगा सकता। करेक्ट। क्या ऑब्जर्वेशन है आपका सर, मैं इसीलिए तो आपका फैन हूँ। छोटा सा लूपहोल है, 30 फीट की दूरी आप बता रहे हैं, वो ऑडिटोरियम में कोई था ही नहीं, वो तो खाली था। सॉरी योर ऑनर, थिएटर खाली नहीं था, थिएटर में चूहे थे बहुत सारे।
और उसी में से किसी एक चूहे ने समर को हथौड़ा मारा और पता नहीं योर ऑनर क्यों पाठक साहब चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, जबकि एकदम साफ है सारे सबूत सारे गवाह राजू चौरसिया के खिलाफ है कि समर त्रिपाठी ने उनका रोल छीन लिया, जिससे इनको इनसिक्योरिटी हो गई, गुस्सा आया और गुस्से की लहर में उन्होंने समर को मारा। यही हुआ था ना राजू जी है? देखो अभी दवाई की असर है, एडमिट कर लो, आप ही ने खून किया ना, एडमिट करो। बस ये समझ लो कि हमने एडमिट कर लिया। काहे को आपका टाइम खराब करें, पब्लिक का टाइम का खराब करें, जज साहब को घर जाना है, बोर ना करो, एक बढ़िया सी चाय मंगाओ अदरक वाली। मिस्टर पाठक, ये क्या बकवास है? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, दौरा पड़ा है इन्हें, ये इनका एक और किरदार है जो इन्होंने नाटक में किया था, नीरज कुमार झुनझुनवाला, न्यूज रीडर, सुस्त और आलसी। समाचार सुन लो, शाम का टाइम हो गया, मगर समाचार का म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक हम ही दे देते हैं। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है, प्रधानमंत्री ने कहा, समझ गए ना क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा शांति बनाए रखो, बहुत दिन तो हो गए, बनाए रखो। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। टीवी खोला है तो चार महानगरों का तापमान तो सुनी लो, कलकत्ता मालूम नहीं, चेन्नई सोचा नहीं, दिल्ली कभी गया नहीं। नीरज जी, समाचार समाप्त हुए। समाचार समाप्त हुए। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे। का जरूरी है? हाँ जी, प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर दीजिए। उत्तर देना भी जरूरी है? जेल जाएंगे, जेल जाना पसंद करेंगे। क्यों? नहीं तो प्रश्न पूछू। प्रश्न ये है कि उस दिन आप भी उस हॉल में थे, वहाँ क्या हुआ, क्या देखा, क्या सुना? अरे राजू चौरसिया को फांसी दो, ज्यादा टाइम ना खराब करो अपना ना उनका, हमसे पूछ के आप क्या करोगे? सब आइडिया है ही आपको, आप पुराने वकील हो, सब पता है आपको। खत्म करो, सैंडविच मंगाओ जज साहब के लिए। आप अपने बाई तरफ देखो, वही जो हाथ बांधे हैं वो है डायरेक्टर आरिफ शेख, वही मतलब जो है। अब पूरा बताए का? जी जी। अरे आप तो पुराने वकील हो, सब समझ जाओ। नहीं नहीं आप बताइए। हम बताए, आपके पास टाइम है? बहुत टाइम है, ले अभी पूरा सुनो। अरे यार डायरेक्टर आरिफ, क्या हाल है? अच्छा ये बताओ गुरु, इस वाले ड्रामे में हमें ले रहे हो कि नहीं? तुमको प्ले में वापस ले लूं? राजू तुमको पता है ना कि यहाँ सिर्फ एक आदमी के चलती है, अब वो है जग्गी सर, जो प्रोड्यूसर है इस प्ले के। तुमको ऐसा कुछ लगता है तो खुद बात कर लो उनसे। मैं यार इतना लंबा चल के आए तुम्हारे पास और तुम हमें और थका रहे हो, वहां चले जाओ वहां चले जाओ, थक जाएंगे बे। ऐसा करो सुनो आरिफ, जग्गी को यहाँ बुला लो। हाँ ये सही है, नाटक के प्रोड्यूसर को यहाँ बुलाऊं तुमसे मिलने के लिए, ताकि वो हीरो समर को निकाल के तुमको हीरो ले ले। वाह बहुत अच्छा। यार तुम्हें बता रहे हो कि पूछ रहे हो? ले लो ले लो, अच्छा काम करेंगे यार। अबे कौन हथौड़ा मार रहा है इतनी देर से यार, बंद करो। हथौड़ा? नीरज जी कौन मार रहा था हथौड़ा? बोलिए नीरज जी। अरे ओ कालिया कालिया, लोहा गरम है मार हथौड़ा, मैंने कहा लोहा गरम है मार हथौड़ा, इसका मतलब ये हुआ वकील साहब पोहा गरम है छोड़ो पकौड़ा। सुना तुमने, सुना तुमने, सुना तुमने? केडी, व्हाट इज दिस? योर ऑनर, उसी नाटक में इन्होंने एक किरदार किया था जो गब्बर सिंह से प्रभावित था, वही
दर्शाया जा रहा है यहाँ। गब्बर जी सरकार हमको जाने दो, सरकार हमको जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। मैंने ठाकुर की फैमिली को नहीं मारा, सुना तुमने, हमने ठाकुर की फैमिली को नहीं मारा, सुना तुमने। गब्बर जी, हम जानते हैं कि आपने ठाकुर की फैमिली को नहीं मारा, हम ये जानना चाहते हैं कि वो हथौड़ा किसके हाथ में था। गब्बर जी, पांच तो बज गए, इस केस के 12 मत बजाना। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। राजू चौरसिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित एक एक्टर, जिसके अंदर 7 पर्सनालिटीज छिपी हुई, वो अकेला अपने राइवल एक्टर समर के साथ स्टेज पर था। न जाने कहां से एक हथौड़ा आकर समर के सिर पर लगता है। खाली ऑडिटोरियम में और कोई नहीं राजू के सिवा। ना ही कोई आई विटनेस। एक नहीं, 7 है, लेकिन दुर्भाग्यवश सब राजू के अंदर। 7 अलग अलग पर्सनालिटीज, और हर एक इस केस के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। हाँ, लेकिन जब तक इन 7 अध्यायों को एक साथ नहीं मिलाया जाता, कहानी पूरी नहीं होती। लेकिन उसके लिए आपको इन 7 को एक ट्रैक पर लाना होगा, विच इज इम्पॉसिबल। एक चीज तो पॉसिबल है, ये पता लगाना कि वो हथौड़ा कहाँ से आया था, कैसे आया था, किसने फेंका था। राइट सर, उसके लिए मैं ऑडिटोरियम जाता हूँ। नई ड्यूटी मैं देख रहा हूँ, अच्छा है कि तुम रात में, वरना पता नहीं कितने सबूत उजाड़ते। तबे मैं यहाँ सबूत उजाड़ने नहीं, ढूंढने। वैसे भी तुम नहीं जानते कि मुझे यहाँ तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। थैंक यू। ये हथौड़ा क्यों लेकर आए? तुम्हें मारने के लिए। रिलैक्स, ये हथौड़ा रबर का है, लेकिन इसका वजन उतना ही है जितना वो असली हथौड़े का है। लेकिन यार, इस रबड़ के हथौड़े का करोगे क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। आओ। थोड़ा हैंड। नो थैंक यू। अरे, समर यहाँ खड़ा था और राजू उसके आगे। या। और यहीं से उसने अपनी शर्ट में हथौड़ा निकाल कर घूम कर समर के सर पे मारा हो। वरुण, पूरा थिएटर खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था। तबे, तुम्हारा निशाना कैसा है? यार पूछने क्या बात है, तुम्हें तो पता है कॉलेज के दिनों में मैं चैंपियन थे, राइट? ये लो, मुझे टारगेट समझो और वहां नीचे से मार। रेडी तवे? तवे लगी तो नहीं? नहीं लगी, लेकिन तवे एक बात तो साबित हो गई, वहां से हथौड़ा फेंक सकते। वरुण, पूरा थिएटर खाली था, यहाँ इस रो में भी कोई नहीं था। एक काम करता हूँ, वहां पीछे से मार दो। हाँ ठीक है। रवि, तुम तो कह रहे थे कि तुम चैंपियन हो, एक भी निशाना नहीं लगा तुमने। सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया है। एक बार वहां से ट्राई करो। यहाँ से? हाँ, पीछे। हाँ, लगभग उधर से। मैंने कहा था ना लगेगी यार। लगा तो नहीं। खैर कोई बात नहीं, रबड़ का था ना। अरे एक बात कहूँ, अगर मेरे जैसा निशानेबाज तुम्हारे सर पे निशाना नहीं मार सकता, तो कोई भी नहीं मार सकता। जायसवाल अदालत में बिल्कुल सही था। अरे एक आखिरी ऑप्शन। क्या? देखो मैं
या भाग गई। भगवान की दया है कि आप आ पहुंचे। काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके आने की। कमाल कर रहे हैं आप, शायद आप ये भूल गए हैं कार से आने वाले देर से जाते हैं। गोविंदा 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 गोविंदा। ये अब आप कहें तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ओके ओके, 10 रुपए के लिए पहला सवाल। सवाल ये है कि जब आप मंच पर डायलॉग्स बोल रहे थे, अपने पीछे किसी के गिरने की आवाज सुनी थी, किसी वस्तु के गिरने की आवाज सुनी थी, तब कुछ देखा था आपने? एक लाश, और लाश के पास हथौड़ा। गोविंदा 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 नहीं, गोविंदा नहीं, किसी व्यक्ति को देखा था वहां थिएटर में आपने। प्लीज बच्चन साहब, आप यहाँ से प्रस्थान करें उससे पहले बताइए, देखा था वहां किसी व्यक्ति को, आदमी को, औरत को? हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा। मैंने देखा उसे भागते हुए। किसे भागते हुए देखा? वो थर्ड रो आगे आगे, थर्ड रो पांचवी सीट, थर्ड रो पांचवी सीट। फिर हुजूर, आप तो खफा हो गए, यूं नाराज न हुआ करें। वरुण। यस सर। वहां की तीसरी रो की पांचवी सीट के पीछे चेक कर, राजू का कहना है कि वहां कोई सिपा था। सर, लेफ्ट या राइट? कम ऑन वरुण। ठीक है सर, मैं दोनों चेक कर लेता हूं। देख दबे, ये पेनड्राइव फोटोग्राफ से भरी है। ये अशिका नाटक की हीरो है, और ये आरिफ प्ले का डायरेक्टर। लेकिन अशिका का चक्कर तो प्ले के प्रोड्यूसर जग्गी के साथ है। यही तो इंटरेस्टिंग बात है, एक तरफ प्रोड्यूसर, दूसरी तरफ डायरेक्टर, और तीसरी तरफ ये व्यक्ति जिसका ये पेनड्राइव है, जिसने ये सारी खुफिया तस्वीरें उतारी। पर क्यों सर, ब्लैकमेल करने के लिए? पता नहीं वरुण, पता लगाना पड़ेगा कि उसने ये तस्वीरें क्यों खींची और उस दिन सवेरे वो उस हॉल में क्या कर रहा था, और ये व्यक्ति कौन है ये जानने का एक ही तरीका है। तू इशिका और आरिफ को बुला अपने पास, पूछताछ कर। लेकिन केड़ी बिना वजह उनको यहाँ बुलाने का क्या फायदा? हमारे पास क्या सबूत है कि ये पेन ड्राइव उसी रात से गायब है? दबे, ये पेन ड्राइव पे जो फाइल्स है वो हत्या के दिन सवेरे आखिरी बार मॉडिफाई किए गए हैं। ऑब्वियस है। ये राजू ना, अपने पागलपन से तुम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बनने वाला, ये खून उसी ने किया। अब आरिफ और इशिका के चक्कर से समर की मौत का क्या ताल्लुक? तू क्या कहना चाह रहा है? तू कुछ नहीं करेगा? नहीं, और जहां तक पुलिस का संबंध, केस सॉल्व हो चुका है। ठीक है। ये पेनड्राइव, ये पेनड्राइव सबूत है। कैसा सबूत? अभी तो तू कह रहा था कि पुलिस के लिए केस क्लोज्ड है, फिर कैसा सबूत? ठीक है, मैं कॉपी करके देता हूँ। नहीं, क्यों कॉपी बना कर देगा? और वो जनानी घड़ी जो मिली है, क्या उसकी भी कॉपी बना कर देगा तुझे? रहने देना, आगे का मैं देख लूंगा। एक गरीब देश है, जेलों की हालत देखिए, जेल में न एसी है, न कूलर, न फ्रिज है, न वीडियो, न टेलीविजन, न वॉशिंग मशीन, न ओवन। बताइए, ये करप्शन है, करप्शन। और खाने में न बर्गर, न पिज्जा,
ना मुंबई की भेल, ना कॉकटेल, ना मॉकटेल, ऐसी है हमारी जेल। पर मैं क्या बोलते है, इधर जेल में बहुत लपड़ा लपड़ा बोले तो लपड़ा बहुत लपड़ा है। इधर हेल्प के लिए काम वाली भाई भी नहीं दिए, इतना लपड़ा है। इधर न डोसा देते है, न सांबर, न उत्तप्पा, न आपम, एक तो चटनी भी नहीं देते है, और नहीं है मेदू वड़ा। इधर है सिर्फ लपड़ा लपड़ा लपड़ा। क्या बोलेगा? मुझे याद है कड़ी साहब, उस दिन थिएटर में वो कमीना कौन था? जिससे कि पहले मैं भूल जाऊं, मैं चला जाऊं। शबा, तुमने देखा मैंने क्या किया? अरे अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.